अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, मैंगो का मौसम आ चुका है और अगर मैंगो के मौसम में हमने मैंगो स्मूदी नहीं बनाई तो क्या बनाया? ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ एनर्जेटिक होती है और बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ मैंगो स्मूदी और इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े मैंगो, पील करके इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिया है। और मैं यहाँ पे लूंगी 1 कप दूध, 1 कप शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट और आइस। तो चलिए देखिए इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैं ग्राइंडर में ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ मैंगोज है इसको यहाँ पे डालूंगी और इसमें मैं डालूंगी 1 कप दूध। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी पतली चाहिए तो थोड़ा दूध और ऐड कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे थिक वाली स्मूदी बना रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स और शुगर टेस्ट के हिसाब से और बहुत सारा आइस। आइस डालकर जब हम मैंगो को ग्राइंड करते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ देखिए मेरी स्मूदी बनकर रेडी है, अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। देखिए कितनी अच्छी सी स्मूदी बनी है, एकदम थिक। और यहाँ पे हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास में अगर आपके पास कोई आइसक्रीम है तो आप उसे पहले आइसक्रीम से प्लेट कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पे वैनिला आइसक्रीम है, मैं पहले ग्लास में वैनिला आइसक्रीम डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्मूदी का। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारे मैंगो स्मूदी और थोड़ी सी और वैनिला आइसक्रीम, इससे बच्चों को लुक बहुत अच्छा आता है और बच्चे बहुत ही खुशी से पूरा चट कर जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा गार्निश करूंगी ड्राई फ्रूट से और थोड़े टूटी फ्रूटी दोनों ऐड किया है मैंने यहाँ पर। अगर आपके पास वेफर्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और आइसक्रीम होने की वजह से बच्चे बहुत ही खुशी से पी लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।